हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने सरकारी सनिलो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि सीडीपी के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको हर कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट में मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिना वक्त गवाए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? देखो, जब बालक होता है तो उसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि शर्म तथा गर्व किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, ये कह रहा है। तो ये हो जाता है, ऐसा अवस्था तो होता नहीं है, किशोर अवस्था होता नहीं है, वृद्धा लास्ट, ये बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसे शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास उसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? इसका असर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था अवस्था होती है, ये पूछ रहा है। बाल्यावस्था 12 वर्ष से होती है, ठीक है ना? ये है नहीं 21 वर्ष, कोई भी नहीं, 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था तक होती है, ठीक है ना? 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। उसके बाद किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, कोई मनोवैज्ञानिक है, उसका जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये स्किनर ने कहा है। किसने? स्किनर ने, ठीक है ना? अब फोर्थ क्वेश्चन, गर्भ में बालक विकसित, जो गर्भ में बालक विकसित होता है ना, कितने दिनों में होता है? तो 40 सप्ताह, कितने? 40 सप्ताह और 2 से 80 दिन, 40 हो गए सप्ताह और 2 से 80 दिन में। उसके बाद इसके जो जो ये गर्भ में जो बालक विकसित होता है ना, इसको 3 खंडों में, कालखंडों में बांटा गया है। पहला है डिम्बावस्था, पूछा गया है ये कितनी बार, DWS में, PRT, 3। पिंडावस्था, उसके बाद भ्रूणावस्था। पहले तो ये पूछा गया था, 3 अवस्था में बांटा गया, यानी कितने गर्भ कालों, कितने भागों में बांटा गया, 3। अब वो कौन कौन से, यही पूछ सकता है आपको। तो डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, ठीक है? डिम्ब, पिंड, भ्रूण, इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन की स्पीड जल्दी करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, पेडागोजी की एक दिन में 1 घंटे की क्लास ले दूंगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको समझ में आए हो तो ये धन्यवाद। आपने वीडियो देखा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इसे आप एक बार देख लें, आपको इस बार आप जो भी रिक्वायरमेंट दोगे उसमें ये मिल जाएंगे, ठीक है? ओके।